मैं संतोष देवी प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे। तो आज हम आप सबके लिए बना रहे हैं ड्रैगन फ्रूट कोकोनट लड्डू। तो क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? ड्रैगन फ्रूट कोकोनट लड्डू। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? चलिए बनाते हैं हम। सबसे पहले गुलाबी रंग के गूदे वाले ड्रैगन फ्रूट को काट लेते हैं। ये व्हाइट वाला भी होता है, आप उसके भी बना सकते हैं। अब इसका छिलका उतार लेते हैं। छिलका उतारना बहुत आसान है। देखिए छिलका भी कितना गुलाबी कलर का है, डार्क गुलाबी है। अब इसे हटा देते हैं। अब इसके पतले पतले पीस काट लेते हैं। गैस जलाकर कढ़ाई रख देते हैं। एक चम्मच देसी घी, एक कप नारियल बुरादे को हल्का सा भून लेते हैं। नारियल के बुरादों को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। बारीक कटे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश भी डाल देते हैं। इनको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। ये सब चीजें अच्छे से भुन गई हैं। अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चार चम्मच देसी घी कढ़ाई में डाल देते हैं। अब कढ़ाई में ड्रैगन फ्रूट के पीसों को डाल देते हैं। ड्रैगन फ्रूट को डाल देते हैं। आप पोंछे की सहायता से इसे मैश कर लेते हैं। ये अच्छे से मैश हो गया है, ये प्यूरी टाइप का बन गया है। अब इसमें हम पीसी शुगर डाल देते हैं। कौन का पीसी चीनी? थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे और फिर बाद में इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, अब इसमें नारियल का बुरादा डाल देते हैं। अब इसमें नारियल का बुरादा और ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। थोड़ा इलायची पाउडर डाल देते हैं। गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने पर इसके लड्डू बनाएंगे। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मिश्रण लेकर इसके गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। इसे हथेली की सहायता से गोल गोल बना लेना है।
देखिए इस तरह से थोड़ा सा मिश्रण ले लेते हैं और इसे हथेली की सहायता से गोल गोल घुमा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, ड्रैगन फ्रूट कोकोनट लड्डू बनकर तैयार हैं। लड्डू बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप सब भी इसी तरह से लड्डू बनाना, खाना और खिलाना, और अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर जरूर शेयर करना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो। बाय।